तो भाई लोग क्रैक जैसी एक फुल ऑफ एक्शन मूवी देखने के बाद मैंने देखी एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी आर्टिकल 370। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। देखो दोस्तों, इस मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज कंफर्मली बोलना चाहता हूँ एंड क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यार जब इस मूवी का ट्रेलर आया था ना, तब बहुत सारे लोग, इवन बहुत बड़े बड़े लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये मूवी कोई मूवी नहीं है बल्कि एक प्रोपोगंडा है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो क्योंकि भाजपा ने आर्टिकल 370 को हटाया था, तो ये लोग लोगों के मन में ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई देखो हमने कितना कुछ किया है देश के लिए। एंड ये मूवी बस एक प्रोपोगंडा मोटिव के साथ में बनाई गई है, ना कि एक सच्चे मूवी लवर के तौर पर। तो देखो दोस्तों, मैं एक बात कंफर्मली कहना चाहता हूँ जो कि मेरी राय है, मूवी देख करके मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये प्रोपोगंडा वाइज है। एंड साफ साफ आपको मूवी से पहले ही डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि भाई इस मूवी में जरूर ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, लेकिन ये मूवी पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि इसमें क्रिएटिव लिबर्टी का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप मूवी में भी देखोगे। हाँ, कितना सच बताया गया है ये नहीं पता, बट हाँ इतना पता है कि जो भी मोटे मोटे तौर पर जो भी फैक्ट दिखाए गए हैं, जो भी चीजें दिखाई गई है ना, वो सारे के सारे सच है। बाकी देखो भाई, मुझे जो लगा मैंने वही बताया है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या समझना चाहते हो। खैर दोस्तों, अगर मूवी पर वापस आए तो मूवी बहुत ही अपर लेवल की मूवी है, एंड अगर आप इसको प्रोपेगेंडा तौर पर नहीं देखोगे ना, तो मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो देखो यार, आर्टिकल 370 की जो स्टोरी है ना, वो अगर कोई फिक्शन कहानी भी होती तो बहुत ही कमाल की लगती। तो ऐसे में जब ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, तो ऐसे में लोगों के मन में इसकी हाइप जनरेट होना नॉर्मल सी बात है। लाइक आप कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, जिसमें भी देश के सच को दिखाया गया था, कश्मीर के सच को दिखाया गया था, वो भी मूवी कितनी चली ये बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक उसी तरह आर्टिकल 370 भी इसी तरह की मूवी है, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े सच को दर्शाती है, जो कि कश्मीर में हुआ था एंड कैसे 370 को हटाया गया, एंड वो सारा कुछ वही थ्रिल देता है जो कि हमें कश्मीर फाइल्स के टाइम पर महसूस हुआ था। बाकी दोस्तों, इस मूवी को बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है एंड इसे 6 चैप्टर्स में दिखाया गया है। हालांकि ये एक मूवी है, बट 6 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है, एंड हर एक चैप्टर में आपको गूज़बम्स आते हैं। वो सारे के सारे किस्से आप जानते भी हो, कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते, बट वो भी देश का हिस्सा है, तो वहां जानने को आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 370 का हटना सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 70 सालों से देश का इंतजार था कि कब ये आर्टिकल 370 हटेगा। इवन खास करके कश्मीर के लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो ऐसे में इन 70 सालों में क्या कुछ हुआ एंड क्या कुछ कश्मीर के लोगों ने झेला, क्या कुछ देश के लोगों ने झेला, किस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया, एंड और भी बहुत सारे ऐसे जो चीजें हुई लाइक पुलवामा अटैक, एंड और भी बहुत सारे मुद्दों को, जैसे कि पत्थरबाजों को किस तरह से सेटलमेंट किया गया, किस तरह से टेररिस्ट जो है वो एक बिजनेस किस तरह से है, एंड किस तरह से आतंकवाद लोग बढ़ावा दे रहे हैं, एंड किस तरह से आतंकवाद पनप रहा है, वो सारा कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो न सिर्फ आर्टिकल 370 के बारे में इस मूवी में बात किया गया है, बल्कि और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। खैर दोस्तों, अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में सबसे गजब की परफॉर्मेंस की है भाई यामी गौतम ने। यानी कि यार मैंने कभी भी उनको इस लेवल का परफॉर्म करते नहीं देखा, मतलब इस लेवल की उनकी एग्रेशन, इस लेवल की उनकी एक्ट, एंड पूरी मूवी में उनका 3-4 मोनोलॉग है जो कि सुनने के बाद आपको डेफिनेटली गूज़बम्प्स आएंगे। एंड दोस्तों, अगर बात करें मोदी जी की, यानी कि अपने अरुण गोविल जी के बारे में, तो उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी वॉक, उनके बोलने का स्टाइल एंड उनका परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, मतलब लगता है कि हाँ भाई मोदी जी ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है। काफी अच्छे तरह से उनको एनालाइज करके एंड उनकी चीजों को अब्सॉर्ब करके इन्होंने एक्टिंग की है, जो कि काबिलियत तारीफ है। एंड दोस्तों, मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने अमित शाह का रोल अदा किया है, जो कि बहुत ही काबिली तारीफ है, क्योंकि यार देखो उनके बोलने के तरीके को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके हाथ हिलाने के तरीके को, मतलब सब कुछ ऐसे कॉपी किया है मानो वो कोई दूसरा एक्टर नहीं बल्कि खुद अमित शाह ही हो। खैर दोस्तों, अगर ओवरऑल इस मूवी की बात करें तो मूवी काफी अच्छी है, आप जाकर के देख सकते हो। बस रैदर देन कि आप इसे एक प्रोपेगेंडा ना मानो, बल्कि एक मूवी सोच करके जाकर के देखो, आप काफी इंजॉय करोगे। एंड अगर आप एक पॉलिटिकल ड्रामा वाली मूवी या फिर रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनी हुई मूवीज पसंद करते हैं, तो ये मूवी आप ही के लिए है। बाकी मैं देता हूँ इस मूवी को 3/5 स्टार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड